हेडलाइंस डेली HD न्यूज। वृक्षो रक्षति रक्षितः के उद्देश्य को अंगीकार करते हुए इंदौर नगर अनुसूचित जाति एवं निगम कर्मचारी कामगार संघ द्वारा लगातार देश की प्रसिद्ध हस्तियों एवं अपने गणमान्य पुरोधाओं की याद में उनकी जयंती एवं पुण्य स्मरण दिवस पर वृक्षारोपण कर उन्हें नमन किया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को संघ के पुरोधा स्वर्गीय छोटे लाल विश्नार के पुण्य स्मरण दिवस पर जेल रोड स्थित श्रम शिविर पर वृक्षारोपण किया गया। संघ के संयोजक महेश गोहर ने बताया कि संघ द्वारा पिछले 50 वर्षों से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। आज संघ द्वारा लगाए गए अनेक पौधे बड़े बड़े वृक्षों के रूप में हरियाली और पर्यावरण सुधार का संदेश दे रहे हैं। आज ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पीपल वृक्ष को लगाकर स्वर्गीय छोटेलाल विश्नार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युवा कामगार संघ के अध्यक्ष सूरज गौहर ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य रूप से महेश गौहर, श्याम अजयपाल, चौधरी प्रेमचंद चंदेले इंजीनियर, ईश्वर लाल विश्नार, प्रमोद डागर, हीरा लाल लाहौरी, सेठ अशोक झाझोट, पूरन गौसर, श्रीमती शकुन कलोसिया, श्रीमती संतोष बाई गौसर, श्रीमती शीतल विश्नार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कर्मचारी कामगार संघ विगत करीब 50 साल से पौधारोपण करता आ रहा है और हमारे संगठन के जो पुरोधा हैं अब इस दुनिया में वो लोग नहीं रहे, लेकिन उनकी याद में उनकी पुण्यतिथि पर हम बिल्कुल उनको याद करते हुए एक पेड़ जरूर लगाते हैं। और आज भी हमारे संगठन के जो कामगार संघ के पुरोधा थे छोटेलाल जी विश्नार साहब, उनकी याद में हमने आज श्रमिकों का जो एक मंदिर है, श्रम शिविर जिसको बोलते हैं, यहाँ हमने एक पीपल का पेड़ बोया है। हमको दुख जब होता है कि इस वट वृक्ष को लगाने वाले जो कामगार संघ के थे पुरोधा आज दुनिया में नहीं रहे, उनके पुण्यतिथि पर हम नियमित रूप से जाम के, जामुन के, आम के, कूलर के, चमेली के, चांदनी के, इस तरह के हम लोग पेड़ फूलों के भी और फलों के भी लगाते रहे। दुख इस बात का होता है कि उनके परिवार के लोग यहाँ नहीं आ पाते, जिन परिवार का जो बुजुर्ग हमारे संगठन में था और वो नहीं है आज, उनकी याद में हम पौधा रोपण कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा शहर स्वच्छता में हमारे वर्ग के लोगों के कारण ही नंबर बनाया है और हमारे वर्ग के कारण ही अब हरियाली में और खुशहाली में पर्यावरण में हमारा शहर फिर नंबर वन आएगा, ये हमारा प्रयास होता है। वृक्षो रक्षति रक्षिता का आप लोगों का हमेशा संकल्प रहता है और हर जयंती और पुण्यतिथि पर आप मनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे सभी को, क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? मैं हाथ जोड़ कर सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम अपने घर आंगन में एक पेड़ ऐसा लगाइए जिसमें फल हो, पेड़ एक ऐसा लगाइए जिसकी कुछ छाएँ हो सके। फलदार हम पेड़ इसलिए लगाना पसंद करेंगे कि पशु पक्षी जो आसमान में परिंदे घूमते हैं उनको कौन दाना दे रहा है? कम से कम हम अपने माँ बापों से, भाई बंधुओं से मांग कर खाना खा लेते हैं, लेकिन वो जो पक्षी भटक रहे हैं उनको कौन खाना देगा? तो पेड़ हम फलों के लगाएंगे और फल वो खा के अपना उदर पोषण कर सकते हैं, आपको एक पुण्य भी मिलेगा और शहर में आबो हवा सुधरेगी, पर्यावरण सुधरेगा।